फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा इजी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मूली के स्टफ पराठे, जो फूले फूले बनेंगे और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1/2 kg मूली लिया है। इसे पहले अच्छे से धो ले, उसके बाद छीले और इसे मोटे वाले ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। यह मूली को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके लिए हम 5 फोरन बनाएंगे, जिसे पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बाउल लेंगे, इसमें 1 टीस्पून जीरा, आधी छोटी चम्मच मेथी, आधी छोटी चम्मच मंगरेला, 1 छोटी चम्मच सरसों और 1 छोटी चम्मच सौंफ लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह मिक्स करके रख सकते हैं और जब कभी भी पराठे बनाएं तो इसे ज़रूर तड़का लगाएं। पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक जार लेंगे, इसमें 4 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन के पीसेस डालेंगे। इसे हमें दरदरा पीस लेना है, बिना पानी डाले हुए। यहाँ हमने पीस लिया है। यहाँ हम 2 टेबल स्पून बेसन लेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक इससे अच्छा सा महक ना आने लगे। बेसन हमारा अच्छे से भून गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। इसे हम निकाल लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे और इसमें 1/2 छोटी चम्मच 5 फोरन डालेंगे। 5 फोरन थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें हम लहसुन और मिर्च का दरदरा जो पीसे थे उसे डाल देंगे। साथ में 1/2 छोटी चम्मच से कम हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सबको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे लहसुन का कच्चापन भी चला जाए। अब इसमें ग्रेट किया हुआ मूली डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे कंटिन्यू भूनते रहेंगे। इस समय गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि मूली का पानी जल्दी सूख जाए और ये बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए। यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मूली यहाँ अच्छे से भून गई है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए पहले भून लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे और भुना हुआ बेसन को डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा स्टफिंग रेडी है, इसे हम ठंडा होने देंगे। यहाँ हम 1/2 kg आटा लिए हैं और इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसे पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार कर ले। इसे चपाती से हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। इस तरह मूली के पराठे बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ आटा को हमने अच्छे से गूंथ लिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। हम इसे जितने बड़े बड़े आपको पराठे बनाना है उतने बड़े बड़े आप बॉल्स बना के तैयार कर ले। इसे हम 2 तरह से भरने के लिए सिखाएंगे। पहले आप इस तरह चकले पे रख के आप इसे हल्का हल्का बेल सकते हैं। नहीं, इसका ठीक रखना है और इसमें 2 बड़े चम्मच भर के मूली का स्टफिंग को डालेंगे। इस तरह इसे हम फोल्ड कर लेंगे।
यहाँ हम इसे सूखे आटे में थोड़ा सा लपेट लेंगे और इस तरह इसे हम बीच में होल कर देंगे। और इसमें भी 2 टेबल स्पून भर के हम स्टफिंग डाल देंगे। आप पराठों में जितने ज़्यादा स्टफिंग फिल करेंगे पराठे उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और इस तरह बनाएंगे तो पराठा आपके कभी भी नहीं फटेगी और फूले फूले बनेंगे। अब इसे हमें थोड़े से सूखे आटे में लपेटना है। यहाँ हम सब बना के इसी तरह तैयार कर लिए हैं। इसे थोड़ा सा सूखे आटे में लपेट लेंगे और हाथ से पहले थोड़ा सा दबा लेंगे। अब इसे हल्के हाथों से बेल के तैयार कर लेंगे। अब इसे हम सेक लेते हैं। यहाँ तवा को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम पराठे को डालेंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। इसे और एक बार पलट ले और उसके बाद यहाँ पे हम ऑयल लगा लेंगे। आप चाहे तो बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। इसे फिर से पलट लेंगे और इधर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और इस तरह इसे दबाते हुए बना लेंगे जिससे ये फूली फूली बनेगी। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे और उसे इस तरह प्लेट के ऊपर एक बाउल रखेंगे और इसे पराठे को रखेंगे। इस तरह रखने से पराठे नीचे से भीगते नहीं हैं। इसी तरह हम सारे पराठे को बना के तैयार कर लेंगे। अब देख सकते हैं सब पराठे हमारे कैसे फूली फूली बनी है। यहाँ हमने सारे पराठे को बना के तैयार कर लिया है। इसे हम इस ठाके सर्विंग प्लेट में रख लेंगे। आप भी इस तरह ज़रूर पराठे बनाएं, बहुत अच्छी लगेगी। इसे आप अचार के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। ये होममेड अचार है। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे हम पराठे को दिखाते कट करके देख सकते हैं पराठे में कितनी अच्छी स्टफिंग भरी हुई है। आप भी ज़रूर मूली के पराठे बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।